हेलो जी, हेलो। आज मैं लेकर आई हूँ 2-in-1 रेसिपी, जिसमें आपको पूरी और खस्ता कचौड़ी दोनों का टेस्ट आएगा। कम सामान, कम समय, कम मेहनत के साथ कभी भी तैयार कर सकते हैं ये फूली फूली गर्मा गर्म क्रिस्पी मूंग दाल पूरी। इसमें ना तो फटने का डर है, ना भरने का झंझट और ना ही मसाला बनाने की टेंशन। इसके साथ मैंने बनाई है आलू की सब्जी, जो कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। तो आइए देखते हैं ये क्रिस्पी टेस्टी नाश्ता कैसे बनेगा। मैंने लिया यहाँ पे 1 बॉल दाल, मूंग दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। अब मैं इसको ट्रांसफर करूंगी मिक्सर ग्राइंडर में और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन के जवे। साथ में डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच पानी और थोड़ी सी हींग। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बस इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लूंगी और ट्रांसफर कर लूंगी अब एक तसले में। मसालेदार मूंग दाल पूरी देर तक फूली रहे और इसका स्वाद भी बढ़िया आए, इसके लिए मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी 2 चम्मच सूजी। इसके बाद डालूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च, नमक और हल्दी। हल्दी से इसका कलर इनहेंस होगा, तो वो ज़रूर से डालें। अब इसमें ऐड करूंगी मैं अजवाइन। इसे मैं अपने हाथों से अच्छे से मसल के डालूंगी और साथ में डालूंगी कसूरी मेथी। इससे ना मूंग दाल की पूरी में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी जो है फूलेगी, तो हमें इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर ये आपको गाढ़ा लगे तो इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसे अब 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया था। अब मैं साथ में बना लूंगी आलू की सब्ज़ी। मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, ज़ीरा, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता। साथ में है ये अचार का मसाला, कुटा हुआ धनिया, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। इसे भी डाल दूंगी और इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लूंगी। ये जो मसाले हैं, बस इसका टेस्ट हमारे ऑयल में आ जाए। इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हींग और साथ में 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मसाले जले ना, इसलिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। और ये देखिए कितने अच्छे से ये पकने लगा है। अब ऐड कर देंगे इसमें हम मसाले, जैसे लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ध्यान रहे हमें इसमें धनिया पाउडर नहीं डालना है, प्याज नहीं डालनी है। ये बहुत ही सिंपल हलवाई स्टाइल में मैं आपको सब्जी बना के बता रही हूँ। तो इसको अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे, पानी डाल डाल के 2 से 3 बार भुने। और इसमें ऐड करूँगी अब बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। इनको भी मैं जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक के गला लूँगी, अच्छे से भून लूँगी मसाले को साथ साथ। और फिर इसमें ऐड करूंगी अपने बॉईल किए हुए आलू। ये देखिए आलूओं को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, एकदम सॉफ्ट हो गए थे आलू और इन्हें थोड़ा ठंडा कर लिया था। अगर आप गरम गरम आलू डालेंगे तो आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। इन्हें हल्का सा ठंडा होने दें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पानी नहीं डाला है, पहले आलू डाले हैं। हमें आलूओं को हल्का सा फ्राई करना है इस मसाले के साथ और उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है। ये होता है सही तरीका आलू की सब्जी बनाने का। बस इसे अब मैं कवर करके कुक करूंगी ताकि आलू और पानी जो है अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। चलिए ये देखिए मेरा मूंग दाल का मिक्सर एकदम तैयार है। इसका आटा गूंथ लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। हम आज मैदा बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा आटा लेके गूंथना शुरू कर दिया है। हमें इस तरह से गूंथना है कि हमें पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े। और मैं इसको खस्ता बनाने के लिए डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। आप घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया सा आटा यहाँ पे मैंने गूंथ लिया था। इस तरह से मैं इसकी छोटी छोटी नींबू की साइज़ की लोइयाँ तैयार कर लूँगी और अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी और इस तरह से पेड़े तैयार कर लूँगी। बस अब ये सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। इनके ऊपर ऑयल लगाना ना भूलें, वरना ये सूखने लगते हैं। अब बस इसको मैं बेल कर अब फ्राई करूँगी। ध्यान रहे हमें सारे साइड से इसको बेलना है, मोटा पतला नहीं रखना है। और ये देखिए इसकी थिकनेस। बस अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पे गरम करके रखा था और ये देखिए कितने अच्छे से बबल्स आने लगे हैं। इस तरह से बबल्स आएंगे तो आपकी पूरी खुद ब खुद ऊपर फूल के आ जाएगी। और ये देखिए कितनी बढ़िया से ये पूरी फूली है। बस इसे अब हमने दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। और ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ी बन के तैयार हुई है। साथ में देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी भी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। इसमें ऐड करूंगी मैं चाट मसाला और 1/2 नींबू का रस। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए कितनी गाढ़ी सी सब्जी तैयार हुई है।
पानी और आलू बिल्कुल अलग अलग नहीं है, एक साथ एकदम वेल कम्बाइंड है। ऊपर से मैंने गार्निश किया था हरा धनिया और आज की सब्जी पूरी की रेसिपी एकदम तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।